हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में आपको ले जाने वाला हूं मैं दिल्ली में एक पार्क है, जमाली कमाली करके एक पार्क है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसका, तो वहीं पर जाके देखते हैं कि पार्क का नेम क्या है। और मैंने उस पार्क के बारे में काफ़ी सुना है, वो मेहरौली के नज़दीक है, कुतुब मीनार के नज़दीक पड़ता है, तो आपको वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ इस बारी में। तो चलो आपसे वहीं मिलता हूं मैं। लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आपसे मिलता हूं मैं अब पार्क में। और अभी आया हूँ मैं झाली कमाली पार्क में, जो कि मेहरौली के नज़दीक है। तो इसके अंदर एक्चुअल में बाइक चलाना अलाउड है, तो इसलिए यहाँ पर अंदर ऐसे ही करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आप जब यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर आने के बाद कुतुब मीनार जा सकते हो, कुतुब मीनार से नज़दीक है यहाँ। और और अभी हम जा रहे हैं अब कुली खा का मकबरा, कुली खा या कुलिंग खा क्लियर नहीं है नाम, कोई नहीं, आगे चल के देखते हैं। तो हे गाइस, तो अभी आए हैं हम, पार्क का नेम क्या है? जमाली कमाली पार्क का नेम है। और अभी इसी के अंदर हम घूम रहे हैं, इसके अंदर बाइक चलाना अलाउड है, तो आप यहां पर बाइक या स्कूटी लेके साइकिलिंग आराम से कर सकते हो या फिर वॉक भी कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा है यार ये, तो काफ़ी मतलब हरा भरा है, अंदर काफ़ी घना जंगल है, तो आप यहां पर आके आराम से चिल कर सकते हो, मज़े कर सकते हो। जा रहे हैं राजा की बावड़ी। और अभी हम जा रहे हैं राजा की बावड़ी, राजा की बावड़ी शायद, राजा की बावड़ी या राजा की बावली जो भी है, तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके मैं आपको एक बार व्यू दिखाऊंगा वहाँ का। तो चलो आगे चलते हैं। तो एक्चुअल में अंदर जाना मना है, यहाँ पर पेंट हो रहा है। तो ये है राजा की बावड़ी, तो अंदर जाने के लिए कुछ भी मतलब परमिशन नहीं है बोला, तो आप यहाँ से थोड़ा बाहर से ही देख सकते हो।
और ये जो अभी आपको दिख रहा सामने, ये है बोट हाउस। जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एक बार अंदर जाके देखते हैं। यार दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जो मतलब पुरानी जो संस्कृति को दिखाती है ना जो चीज़ें, उनकी कोई इज्जत है नहीं। मतलब आपको यहाँ पर हर जगह पर कूड़ा दिख जाएगा और सारे नाम लिखे हुए हैं दीवारों पे। शक्ल का तो पता नहीं, शक्ल के तो 12 बज चुके हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत तेज है। और जब भी आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे आराम से आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो। मुझे लगता है दिल्ली में कुछ गिनी चुनी जगह ही है जहाँ पर आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं दिल्ली में देखने के लिए। मतलब नेचर वाइज अगर आप देखते हो कि जहाँ पर आपको ग्रीनरी दिख सके, तो ऐसा कोई मुझे जगह मतलब यहाँ पर दिखा नहीं। एक मुझे बायोडाइवर्सिटी दिखा था मुझे, जो कि गुड़गांव और दिल्ली में पड़ता आई थिंक। और दूसरा कुतुब मीनार में भी थोड़ा ग्रीनरी देखी मैंने, और इंडिया गेट साइड को है, और फिर उसके बाद यहीं पर देख रहा हूँ मैं। तो अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिखा है चौमुखा दरवाज़ा जो कि ऊपर है, और बोट हाउस जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो अब पहले ऊपर चलते हैं। और यहाँ से आपको कुतुब मीनार भी दिख जाएगा साथ में, क्योंकि वो दिख रहा है। अभी जा रहे हैं रोज़ गार्डन, देखते हैं वहाँ पे। पूछा तो था मैंने ऊपर एक अंकल जी को कि इस टाइम पर रोज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उन्होंने बोला है वहाँ पर जा सकते हो। तो चलो एक बारी देखते हैं साथ में, और आपको भी मैं दिखाता हूँ वहाँ पर। तो ये है यार रोज गार्डन। और यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखाई दे रहा साफ। रोज तो दिखाई दे नहीं रहे, सारे रोज झड़ चुके हैं, थोड़े बहुत हो रखे हैं, कुछ पुरानी पत्तियां हैं बस।
इस साइड को यार बड़ा अच्छा है, मतलब अगर यहाँ पर आते हैं ना घूमने तो काफ़ी अच्छा है। अंदर को पूरा ग्रीनरी है, और अच्छी बात ये है कि वॉक भी कर सकते हैं और गाड़ी भी चला के जा सकते हैं अंदर, या फिर साइकिलिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अंदर ऑफ रोडिंग है भाई। और अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ कुतुब मीनार आना है। मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीकी कुतुब मीनार है, और वहाँ से आप यहाँ पर ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, and be safe.